मैं पार्टी अध्यक्ष जो है अपने ओम प्रकाश जी बनकर उनको भेज रहा हूँ, और मैं भेज ये रहा हूँ कि किसानों के हित में और किसानों के आंदोलन के साथ मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता छोड़ रहा हूँ। अगला कदम तो भविष्य के क्रम में है, आज ये अगले कदम का कोई फैसला नहीं है, लेकिन आज मैं आपके मार्फत जो हमारे क्या है, अब से पहले भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश जी धनखड़, उनके नाम में चिट्ठी लिख रहा हूँ और पार्टी की सदस्यता छोड़ रहा हूँ। और पार्टी के लिए पिछले 5 सालों में मैंने बहुत कुछ किया, और इसके साथ साथ ये भी मैं कह रही हूँ, मेरी जिंदगी के स्वर्णीय 5 साल मैंने भारत सभा में ऐसे ही गवाए, ये भी ऐसा। इसके साथ साथ और भी बात है कि किसानी का दम भरकर यहाँ से कई लोग चुनाव भी जीते, जिनका चुनाव निशान भी मतलब जिनसी था, फसली थी, वो आज सत्ता की कुर्सी पर मतलब फिक्स लगा के चिपके हुए हैं, जबकि किसानी के नाम पर उन्होंने 32 साल बाद सक्रिय राजनीति में पदार्पण किया और जीत हासिल की। ऐसे लोगों को भी आज जो किसान मूवमेंट चल रही है, किसान आंदोलन चल रहा है, अपनी सत्ता सुख छोड़ करके किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए, किसानों की बात करनी चाहिए, किसानों की पैरवी करनी चाहिए, क्योंकि उनके पास व्यवस्था है ऊपर तक बैठने उठने की, उनके पास साधन है इसलिए, लेकिन वो कस्से मसी नहीं हो रहे। बिजली मंत्री को ये तो आप समझदार हैं, मैं नाम क्यों लूं। जो केंद्र की सरकार 3 कृषि बिल लेके आई है किसानों के मुतल्लिक, वो बिल्कुल सरासर गलत है। आज किसान परेशान है, सड़क पर है, पूरे भारतवर्ष का किसान सड़क पर है और दिल्ली की तरफ चल रहा है। तो मैं केंद्र सरकार से मांग करूंगा आपके मार्फत के इन 3 बिलों को खारिज करके, और किसान की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार 2014 में मोदी जी का या बीजेपी का एक नारा था कि किसानों के लिए हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें। पहले 5 साल बीत गए और नई सरकार को बने हुए 1 साल के करीब हो गए, 1 साल से ऊपर हो गया, लेकिन स्वामीनाथन रिपोर्ट तो आई नहीं, उल्टे किसानों के ऊपर 3 नए बिल थोप दिए, जिससे कि किसान तबाह होने के कगार पर हो गया।